सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दर्शकों, आज की वीडियो का टॉपिक है मैट के ऊपर, और ये जो मैट है इसके क्या फ़ायदे ने और ये कौन सी कंपनी के हैं। तो ये जो मैट है हमारे फार्म पे लगे हुए, ये हैं फार्मिंग किंग एक्सपर्ट काउ मैट। तो इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट की है, और ये मैट की जो चौड़ाई है वो 4 फुट की है, और इन वेट मैट का जो वेट है वो 35 kg है, और ये मोटे हैं 1.25 इंची के, और इनके नीचे लगी हुई हैं छोटी छोटी गिट्टियां, और इसके ऊपर है खुरदरापन ताकि जो गाय है उसका पांव बैठने और उठने के समय फिसले नहीं। और ये 3 mm के करीब है, और ये गिट्टियां जो है गाय को, जब गाय का वेट ज्यादा होता है तो जब गाय मैट के ऊपर बैठती है तो उसको मैट जो है सॉफ्ट लगते हैं, ये नीचे दब जाते हैं सॉफ्ट लगते हैं। और इसके ऊपर जो है एक एक एम के जो खुरदरे बने हुए हैं ताकि जो गाय है उसका पांव फिसले नहीं मैट के ऊपर बैठते समय। और ये मैट पे जो गाय है हमारी बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं, और हमने जो है मैट जो फर्श है नीचे क्यूबिकल है वो पक्के कराए हैं और मैट उसके ऊपर लगाए हैं ताकि बार बार जो रेत का झंझट है सब खत्म हो जाए, और जो लेबर कॉस्ट आती है रेत को डालने के लिए उसकी भी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए। तो एक हमने जो मैट है इधर इनको ऊपर लॉक करवाया है ताकि जब गायें ऊपर बैठे मैट के तो उसके वेट से जो मैट है नीचे फर्श की तरफ नहीं फिसले और जो बंधे रहें, बार बार ऊपर बेड के ऊपर करने की प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं आए। तो इसलिए हमने जो है ये फिक्स करवाए हैं एक साइड से, और इनकी जो क्लीनिंग है बहुत जल्दी और इजी होती है, और जो गिल्ला गोबर होता है हल्का फुल्का सा मैट के ऊपर जैसे गाय कर देती है तो फावड़े की हेल्प के साथ हम उसको नीचे कर देते हैं, और सूखे हुए गोबर को हम मैट पे रहने देते हैं ताकि वो सूप का काम करें। तो ऐसे जो है मैट जो फावड़े से क्लीन हो चुके हैं, और अब जो है स्क्रैपर चल गए हैं, तो स्क्रैपर के साथ जो है सारे गोबर जो है फर्श क्लीन हो जाएंगे, और सुबह सुबह ही जो है जो हम डेयरी फार्म है उसको क्लीन कर देते हैं, सभी गोबर जो है नाले में चला जाएगा, स्क्रैपर उसको ले जाएगा। तो जो हमारी एनिमल्स हैं, हमारी गायें हीफर्स हैं, अब इनको पता चल गया है कि स्क्रैपर चल रहा है तो कैसे वो धीरे से जो है साइड में हट जाती है अपने आप। तो कोई दिक्कत नहीं आती है चोट वगैरह लगने की, क्योंकि इनको आदत हो जाती है। तो ये जो स्क्रैपर है बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करती हैं। तो हमारे तकरीबन सभी जो फार्म है सभी में जो है क्यूबिकल के ऊपर मैट लगाए हुए हैं। तो जो गाय है बहुत आराम से कंफर्टेबल जो है मैट के ऊपर रहती है, कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे फावड़े के साथ जो मैट के ऊपर गिल्ला गोबर होता है उसको नीचे उतार देता है एक आदमी। तो जिस स्क्रैपर के साथ जो फर्श है बहुत अच्छे से क्लीन होता है। जी है मेरी प्यारी सुंदरी,
गिरलैंडो जे गिर ब्रीड की कौ है और बहुत ही प्यारे इसको जो है स्पोर्ट आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।